हिमाचल प्रदेश भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन मंडी जिला कमेटी ने सीटू के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर श्रम अधिकारी के माध्यम से श्रम मंत्री विक्रम सिंह को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर श्रम कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन संबंधित सीटू ने गत 17 मार्च को विधानसभा के बाहर आयोजित प्रदर्शन एवं रैली के दिन मजदूरों की मांगों और समस्याओं के बारे में श्रमिक कल्याण बोर्ड से चर्चा की थी और मांग पत्र भी सौंपा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक माह गुजर जाने के बावजूद इनकी मांगों पर कोई भी कार्रवाई राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप यूनियन जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही है और पुनः इस प्रदर्शन व मांग पत्र के माध्यम से मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में यूनियन के माध्यम से किया जा रहा कार्यों में पिछले 3 महीने से अड़चने पैदा हो रही हैं और मजदूरों के पंजीकरण व लाभों को स्वीकृत करने में विलंब हो रहा है और श्रम अधिकारी मंडी व कल्याण बोर्ड के कर्मचारी कार्यालय में जमा किए गए आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई हेतु मिलने वाला शिक्षण छात्रवृत्ति के आवेदन भी परपत्र में प्राप्त हुए हैं और पिछले 1 वर्ष से राज्य कार्यालय को भी नहीं भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए सरकार और प्रशासन को 1 महीने का समय यूनियन के द्वारा दिया गया है और यदि इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो श्रम कार्यालय मंडी के बाहर प्रतिदिन धरना प्रदर्शन किया जाएगा।